नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आपको बताते चले, नाबालिग लड़की का शव रविवार को मिला था। नाबालिग स्कूली छात्रा थी। 14 वर्षीय संजना गायन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के छत की कुंडी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। वहीं पीड़ित परिवार का हालचाल जानने के लिए बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास एवं समाज सेवी रमेश राय पहुंचे थे। और पीड़ित परिवार का कहना था, मेरी बेटी की हत्या का शव पड़ोस के युवक द्वारा लटकाया गया है, हमें न्याय दिलाया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। वहीं बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष, उन्होंने कहा, बहुत दुखद घटना है और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, कई दिनों से हम देख रहे हैं शक्ति फार्म के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। संजना गायन हमारी एक बहन थी, हम न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और समाज सेवी रमेश राय का कहना था, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और शक्ति फार्म क्षेत्र में अधिकतर देखा जा रहा है लोग राजनीति के शिकार हो रहे हैं। हम चाहते हैं शक्ति फार्म में राजनीति न हो, हम सब लोगों को एकजुट होकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करें। इसको अभी तक रिकॉर्ड भी आया नहीं है, फिर इधर मार के टाना दिए रस्सी से, मरा नहीं है। और आपको कार्रवाई तो ज़रा हम कार्रवाई करूँगे, मेरा कार्रवाई रिकॉर्ड आने दो, फिर कार्रवाई करूँगी। आपको ज्ञान मन दिया था पुलिस चौकी में, दिया था मेरा चौबीस घंटा। आप चाहते कार्रवाई, इसको पूरा कार्रवाई करूँ, इसको फांसी नहीं दी। मैं चाहूँगा कि हम लोग, एक संजना गायन, दूसरी बहन अलका बैरागी, इन दोनों को जो न्याय अभी तक नहीं मिला है, हम लोग इस बार होली मिलन कार्यक्रम पूर्ण रूप से रद्द करेंगे। और होली मिलन का कार्यक्रम हमारे पड़ागांव और हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 में, और मैं सभी भाइयों से आपके माध्यम से निवेदन भी करूँगा कि कोशिश करें सब लोग कि होली मिलन का कार्यक्रम इस बार रद्द किया जाए। सभी मिलकर सबसे मैं निवेदन करूँगा। मैं इस मामले में उप जिलाधिकारी महोदया को प्रार्थना पत्र भी दूंगा कल कि हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम का इस बार बहिष्कार करेंगे, किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये मांग करते हैं यहाँ के शासन और प्रशासन से कि इन दोनों मामलों में जो धुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। इनके द्वारा जो शिकायती पत्र जिन मुलजिमों के खिलाफ दिया गया है, उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजे, दामाद बना के बैठा के रखने से थोड़ी काम चलेगा। कड़ी पूछताछ की जाए, जो जेल में है उसको भी रिमांड पे लें, उससे भी कड़ी पूछताछ करें। जो सफ़ेद पोश पीछे छुपे हुए हैं वो आएंगे निकल के बाहर और वो भी आरोपी बनेंगे। इस मामले में, संजना गायन के मामले में भी कहना चाहूँगा मैं कि आरोपी अभी तक बाहर घूम रहा है, कोई पुलिस का खौफ नहीं है इन पे। और जो 68 विधानसभा सितारगंज शक्ति फार्म है, ये उत्तराखंड के नक्शे में है, भारत के नक्शे में है। यहाँ इस शक्ति फार्म को भी सरकार देखे, यहाँ के लोगों को भी देखे, यहाँ के लोगों की पीड़ा को भी समझे। यहाँ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इसमें अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पर वाहन चेकिंग करके और छोटे छोटे लोगों को जो यहाँ परेशान करने का काम किया जाता है, इस पे ध्यान पुलिस कम दे और इन आरोपियों की गिरफ्तारी पे ध्यान दे और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि अपराध मुक्त यह शक्ति फार्म हो, इसकी हम मांग करते हैं स्थानीय शासन और प्रशासन से। धन्यवाद। ये भी एक हमारी बहन है, जो परसों ये कांड हुआ, ये हत्याकांड हुआ, इसके लिए बड़ा दुख है हमें। और कई दिनों से देखे जा रहा है शक्ति फार्म क्षेत्र की हालत बद से बदतर हो जा रही है और गंभीर हो जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसका कोई डर नहीं है, यहाँ किसी भी नेता का खौफ नहीं है। जो लोगों के पास अंकुश होता है, यहाँ पर जो पैसे वाले हैं, कुछ जो क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त होते हैं, वो लोग बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हो चुके हैं। इनके अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि पैसों के बल होते हैं, बच जाएंगे ये सोचते हैं। और दूसरा, अलका बैरागी निकिता विश्वास एक उदाहरण रहा है, जिसमें जो कातिल थे उनके परिवार और उनके जो मेन अक्यूज थे, वो लोग सही तरीके से उनको केस में इन्वॉल्व नहीं किया गया और उन लोगों को कोई कानूनी तौर पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। उसको देखते हुए आज अपराधियों के अंदर हौसला बढ़ चुका है ऐसे घटना के लिए। और कहीं ना कहीं हमारी बहन, बेटी, माताएं आज प्रताड़ित हो रही है शक्ति फार्म क्षेत्र में और भारत के कई राज्यों में। जब तक ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी, ऐसे लोगों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, तब तक
कोई भी बहन सुरक्षित नहीं रहेगी देश में। इसी को देखते हुए हम सभी लोगों ने ये आज निर्णय लिया है कि हम लोग इस साल का जो होली है उसका हम बहिष्कार करते हैं, हम होली नहीं मनाएंगे और ख़ास तौर से ना हम बधाई देंगे और ना होली हम मनाएंगे।